हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूं कि आज आप सभी लोग को बताऊंगा कि पैरासीटामॉल जो आप लोग खाते हैं वो आप सभी लोग के लिए कितने जानदेह हानिकारक होते हैं और उसके कितने कितने खतरनाक खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं। तो शायद अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो आज सुनेंगे तो आप लोग शायद हैरान भी हो जाएंगे, और ज़्यादातर अगर आप लोग इसको यूज करते हैं तो शायद आप लोग इसको सुन के मेरे हिसाब से आप लोग कम भी देंगे इसको खाना। तो देखिए, जरा सा सिर दर्द होता है तो भी आप लोग पैरासीटामॉल की गोली खा लेते हैं, थोड़ा सा बदन दर्द हुआ तो भी आप लोग खा लेते हैं, हल्का सा बुखार महसूस हुआ तो भी आप लोग खाते हैं। डॉक्टर को दिखाए बिना अपने ही मन से आप सभी लोग केमिस्ट से पूछकर तुरंत अपने दवाओं को लेकर के और उसको खाने लगते हैं। सिर दर्द हुआ, बुखार हुआ, बदन दर्द हुआ, उल्टी हुआ, इन सब के लिए जानते हैं मार्केट में कितने सारे ऐसे दवाइयाँ आ गए हैं जो कि बिना डॉक्टर से पूछे हुए ही एकदम सनासन बिक रहा है और सभी लोग जा करके उसको खरीद करके और अपने बुखार को कम कर ले रहे हैं। पैरासीटामॉल तो बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं इस समय। तो शरीर में दिखने वाले ऐसे लक्षण जो किसी भी बड़ी बीमारी के संकेत नहीं होते हैं या फिर किसी भी तरह का छोटा मोटा दर्द होता है तो उन्हें दबाने के लिए अक्सर हम लोग पेन किलर खा लेते हैं, और ये जो होता है हमारा पेन किलर, ये कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं क्या आप लोग इसके बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं आप लोग। वैसे ही आप लोग तुरंत सनासन ले लेते हैं और खाना स्टार्ट कर देते हैं। पैरासीटामॉल इतना ज़्यादा आप लोग खाते हैं, लगता नहीं आप लोग को कि उसका कुछ साइड इफेक्ट होगा, लेकिन आज हम उसके बारे में बताएंगे पूरा आप लोग को डिटेल से। इसीलिए पूरा आप लोग को सुनना है तभी आज जाना है यहाँ से, ठीक। देखिए, अपने मन से दवा खाना हो सकता है बहुत ज्यादा खतरनाक। डॉक्टर की माने तो ज्यादातर लोग जो पढ़े लिखे होते हैं वही लोग ऐसे काम ज्यादातर करते हैं। वो जाते हैं सीधा दुकानदार के पास और अपने दिक्कतों को बताते हैं और अपने सिम्टम जो लोग देते हैं वही लेके चले आते हैं। खांसी हुआ, थोड़ा सा लूज मोशन हुआ, बुखार हुआ, इन सभी लक्षणों के आधार पर वो दुकानदार जो होते हैं दवा दे देते हैं। उन्हें किसी भी तरह की कोई भी दवा बता देता है और मरीज जो होता है उसका सेवन करके कई बार ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करना बेहद ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गलत दवाइयां खाना या फिर गलत दवा की डोज जो होते हैं कई तरह की गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं और कई बार ये जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। जैसे आप लोग जाते हैं पैरासीटामॉल ले लेते हैं, 500 एमजी ले लेते हैं या फिर 650 एमजी लेकर के खा लेते हैं। आप लोग देखते नहीं है, बस आप लोग के शरीर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा बुखार है, लेकिन जो दवा मिला 500 एमजी का मिला, 650 एमजी का मिला, तो आप लोग तुरंत लेके खा लेते हैं। तो पैरासीटामॉल जो होता है उससे अल्सर का भी खतरा होता है, और पैरासीटामॉल दवा का इस्तेमाल आमतौर पर फीवर जो होता है उसको कम करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर डॉक्टर से पूछे बिना और प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप इस दवा को ज़्यादा सेवन किया जाए तो इससे, मान लीजिए अगर आप लोग डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं तो कैसे पता चलेगा क्या बीमारी है, आखिर फीवर क्यों हो रहा है? वैसे ही आप लोग लेकर खाने लगते हैं तो जान रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। इससे एसिडिटी भी हो सकता है, अल्सर भी हो सकता है, और पेट में अल्सर भी होने की ज़्यादा खतरा हो सकती है। स्थिति गंभीर होने पर खून की उल्टी भी हो सकती है, ठीक। देखिए, बुखार जब आप लोग को ज़्यादा हो जाता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा हो जाता है, तो आप लोग कम से कम तुरंत आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ठीक होने के बाद आप लोग डॉक्टर के पास भी जा करके उसको दिखा सकते हैं कि आखिर फीवर हुआ तो हुआ क्यों। अब हमेशा जब आप लोग को फीवर हो रहा है तो आप लोग पैरासीटामॉल खा के ही नहीं काम चलाएंगे। जान रहे हैं पैरासीटामॉल कितने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी बहुत खतरनाक होता है। तो एक होता है इबुप्रोफेन एंड पैरासीटामॉल को मिला करके जो सबसे कॉमन पेन किलर बनती है वो होता है हमारा कम्बीफ्लाम, और यह सबसे कॉमन पेन किलर होता है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर लोग करते हैं कम्बीफ्लाम का। अगर आप लोगों ने खाया होगा, खाते तो होंगे ही, तो इसके बारे में नाम भी पता होगा। लेकिन इस दवा का भी बहुत ज़्यादा सेवन करने से लंग की प्रॉब्लम हो सकती है, लंग में प्रॉब्लम हो सकती है और अस्थमा भी हो सकता है। अब अस्थमा क्या होता है? अस्थमा वही होता है जिसमें आप लोग सांसें सही से नहीं ले पाते हैं और उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। और इसके अलावा बीपी भी हाई हो सकता है, बीपी का प्रॉब्लम आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, प्रोस्टेट से जुड़ी दिक्कतें और थायराइड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। इन सभी मेडिसिन को ज़्यादा खाने से, पैरासीटामॉल के ज़्यादा उपयोग करने से ये सभी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक। तो क्या आप भी जुखाम थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा बुखार होने लगता है तो इन सभी दवाइयों के सहारा आप लोग अपने बुखार को हल्का कर लेते हैं?
पैरासीटामॉल दवा को खा करके आप लोग अपने दिक्कतों को कम कर लेते हैं। अगर आप भी आवश्यकता से अधिक पैरासीटामॉल दवाई को खा रहे हैं और इसको थोड़ी देर के बाद फायदा तो मिलेगा, लेकिन यह आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है बहुत ज़्यादा। आज हम आप सभी लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ के बारे में बताया भी है कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, जिन्हें सुनने के बाद आप सभी लोग आई होप कम तो कर ही देंगे। बता दें कि पैरासीटामॉल जो होता है, इसको लंबे समय तक खाने से, अधिक मात्रा में सेवन करने से ये किडनी और पेट में अस्थमा, ये सब जो बताया है मैंने, ये सब की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है आप सभी लोग को। स्टमक में ब्लीडिंग का भी खतरा हो सकता है, ठीक। तो अगर आप पैरासीटामॉल का हाई डोज लेते हैं, हाई डोज मतलब 500 mg से लेने लगे, 650 mg और भी ज़्यादा लेने लगे, तो यह आपके पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। पैरासीटामॉल की हाई डोज यानी हर रोज़ 2000 mg से भी ज़्यादा आप लोग पैरासीटामॉल को पेट में दिक्कतें ज़्यादा आप लोग खाने लगेंगे, 2000 mg से भी ज़्यादा आप लोग खाना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोग के पेट में दिक्कतें स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे और स्टमक में ब्लीडिंग सबसे प्रमुख ये होता है, स्टमक में ब्लीडिंग होना भी स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए पैरासीटामॉल को लेने से पहले आप लोग सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आप लोग को खाना चाहिए। और भी कुछ बातें बता देते हैं आप लोगों के लिए, किडनी के लिए ज़्यादातर नुकसानदायक होता है। एक दिन में पैरासीटामॉल का अधिक सेवन तो आपके शरीर के लिए हानिकारक होता ही है, लेकिन इसको अगर लंबे समय तक इस्तेमाल आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। जैसे आप लोग कभी कभी डेली रूटीन ही बना लेते हैं कि शरीर में दर्द है आज भी खा लिया, फिर कल थोड़ा सा शरीर में दर्द है तो भी कल भी आप लोग खा लिए, तो इससे आप लोग रूटीन बना लेते हैं और एक साल में 300 ग्राम पैरासीटामॉल यानी लगभग में हर दिन 1 ग्राम पैरासीटामॉल का सेवन से आपको किडनी से जुड़े दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो सकती है। देखिए, ब्रिटिश मेडिकल जनरल में प्रकाशित यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के शोधकर्ताओं के अनुसार आर्थराइटिस एवं पीठ दर्द को कम करने के लिए लोग पैरासीटामॉल का इस्तेमाल आसानी से करते हैं, पर इसका किडनी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों के लिए ये कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो बच्चों के बारे में पता किया गया था, साल 2008 में की गई थी एक स्टडी जिससे सामने आया था कि बच्चों को कम उम्र में यानी 6 से 7 साल के बच्चों को पैरासीटामॉल देने के लिए उनके शरीर में, जैसे आप लोग 6 से 7 साल के बच्चों के या फिर उससे कम साल के बच्चों को अगर पैरासीटामॉल देते हैं तो उनके शरीर में अस्थमा के लक्षणों को बढ़ावा देता है। विश्व में स्वास्थ्य संगठन को भी माना गया है कि बच्चों को 101 डिग्री से अगर बुखार ज़्यादा होने लगता है तब आप लोग पैरासीटामॉल उसको दे सकते हैं, लेकिन 100 से अगर कम है तो आप लोग को देना नहीं चाहिए बच्चों को जो 6 से 7 साल की उम्र के हैं या फिर उससे थोड़ा कम है, ठीक। अब देखिए, थोड़ा सा जान लेते हैं महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर कोई भी प्रेग्नेंट महिला के पेट में दर्द हो रहा है, कहीं पे दर्द हो रहा है, तो आप लोग दर्द को कम करने के लिए पैरासीटामॉल को दे देते हैं, लेकिन यह गर्भ में पल रहे बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान डाल सकते हैं। इसके लगातार सेवन करने से जो बच्चों का पेटों में विकास होता है वो विकास में उनका रुक जाता है। नेशनल हेल्थ सर्विस के अनुसार गर्भवती महिला को बिना डॉक्टर के सलाह के पैरासीटामॉल को खाना नहीं चाहिए। लीवर डैमेज होने की भी संभावना इसमें हो जाती है, जो हमारे लीवर होते हैं वो भी इसमें डैमेज होने की संभावना हो सकती है। अगर कोई भी पीलिया या फिर लीवर से जुड़ी कोई भी बीमारी से पीड़ित आप हैं तो उसके लिए पैरासीटामॉल नहीं लेना चाहिए। अगर आप ले भी रहे हैं तो बिना डॉक्टर के सलाह के ना लें। पैरासीटामॉल के गलत इस्तेमाल करने से लीवर डैमेज हो सकता है और बहुत सारे बीमारियां आप लोग को हो सकते हैं, जो कि मैंने बताया, अस्थमा भी हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी को भी ख़राब कर सकते हैं, खून की उल्टी भी हो सकती है आप सभी लोगों को, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आप सभी लोगों को हो सकती है। तो कम से कम इतना आप लोग को पता चल गया कि क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी तो छोटी मोटी अगर आप लोग को कम हो रहा है, मान लीजिए थोड़ा सा शरीर में दर्द हो रहा है, तो दर्द अपने आप फिर ठीक हो सकता है। थोड़ा सा आप लोग उस पर तेल का मालिश कर लीजिए या फिर कुछ कर लीजिए, शरीर का दर्द ठीक हो जाएगा। ये नहीं कि आप लोग आखिर शरीर में क्यों दर्द हो रहा है, उसके बारे में जाइए, उसका जड़ का पता लगाइए, डॉक्टर के पास जाएंगे, सब सलाह मिल जाएगा,
तब वो जो दवा बताएंगे उस हिसाब से खाएंगे तो सही रहेगा। अपने से बिना जानकारी के दवा खाना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो दवाइयाँ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्हें तो ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग को भी ये पता चल जाए कि क्या क्या उसका साइड इफेक्ट होता है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।